खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा राफेल को लेकर लगातार राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। क्रिकेट और सियासत की जमीन पर दोनों जगह खेलते हैं, कुछ ऐसे नेता भी होते हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से सांसद हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग जी, क्रिकेट की दुनिया से आपका वास्ता तो रहा ही है, लेकिन इस बार हमीरपुर की पिच पर आप चौका लगाने के लिए जुटे हुए हैं, क्या हालात हैं? जनता का आशीर्वाद हैट्रिक लगाते समय भी मिला और चौका लगाते समय भी मिलेगा, और मुझे लगता है हमीरपुर को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और प्रेम कुमार धूमल जी ने बनाया, और इसका लाभ सदा जिसने भी चुनाव लड़ा उसको मिला। और मुझे जहां एक और मोदी जी के उपलब्धियों का लाभ मिल रहा है, वहीं पर ये लाभ भी है कि जो हमने अपने क्षेत्र के लिए काम करवाए उसका भी लाभ है। कहते हैं बीजेपी सिर्फ मोदी नाम के भरोसे चल रही है, बीजेपी के पास कम से कम ऐसा नेतृत्व तो है जो दुनिया भर में सबसे मजबूत है और देश के अंदर जिसका कोई मुकाबला नहीं है। महागठबंधन चूर चूर हो गया इससे पहले कि कोई सपना देख पाते कुछ बनाने का, और इसका सबसे बड़ा कारण है मोदी जी की क्रेडिबिलिटी। ये जो 5 वर्ष में करके दिखाया, मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक गरीब तबके के ऊपर, देश समाज के सब वर्गों के ऊपर है। कुछ निर्णय उनके बहुत कड़े थे और कुछ निर्णय ऐसे थे जिसपे लगता था कि क्या होगा, क्या ये निर्णय कहीं उल्टे तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन मोदी जी ने निर्णय कभी जिंदगी में वोट को देख कर नहीं लिए, देश को देख कर लिए, उसका लाभ आज मिल रहा है। अगर वाकई ही देश को लाभ मिल रहा है तो राष्ट्रवाद पर वोट मांगते मांगते अचानक जो है वो राजीव गांधी क्यों चौथे चरण के बाद बीच में आ गए प्रचार में? देखिए, आप कुल मिलाकर देखिए, जब राहुल गांधी जी ने सब सीमाएं झूठ की तोड़ दी, एक के बाद दूसरा झूठ, दूसरे के बाद तीसरा, बार बार झूठ, और सुप्रीम कोर्ट में बार बार माफी मांगना, मैंने पहली बार किसी नेता की हालत देखी होगी अरविंद केजरीवाल जी के बाद कि उस रास्ते पे वो चले हैं। क्या कांग्रेस की राजनीति अब ये हो गई? कहां राष्ट्रवाद से देशद्रोह का कानून खत्म करने की राजनीति कांग्रेस को 400 सीट से 44 सीट पे ले आए और इस बार ना जाने कितना नीचे ले जाएगी। अनुराग जी, क्या ये इसलिए राजीव गांधी का नाम बीच में आ रहा है कि बीजेपी खफा है कि राफेल को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल भी नहीं। राफेल पे सुप्रीम कोर्ट ने प्राइसिंग देखी, प्रोसीजर देखा, ऑफसेट पार्टनर देखा और सब देखने के बाद कहा कि ये देश हित में निर्णय हुआ है। अगर हमारे ऐसे देश जिनसे हमें खतरा है उनके पास 4th-5th generation एयरक्राफ्ट है तो भारत कम तैयारी या बिल्कुल तैयारी ना तैयारी के साथ नहीं रह सकता। अब ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद CNAG की रिपोर्ट आई, उसमें भी क्लीन चिट मिली। अब इतने सबके बाद भी अगर कांग्रेस झूठ पे झूठ बोलेगी तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को क्या लगता है कि कांग्रेस सिर्फ इसे चुनाव का मुद्दा बनाकर भुनाना चाहती है या वाकई उनके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिसके लिए वो बाकायदा जांच चाहते हैं? राहुल गांधी हमारे ही चैनल पर भी कह रहे थे अभी 2 दिन पहले हुए इंटरव्यू में कि कम से कम JCP तो करवा दो आप। आप JPC के जितने मर्जी पिछले इंस्टेंस उठाकर देखिए, जिसकी सत्ता होती उसके मेजोरिटी में मेंबर्स होते, इट डजंट टेक यू एनीवेयर, ये आपको कहीं नहीं लेके जाती। और जब आपका सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय दे चुका है, CNDG जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अंतिम निर्णय दे चुकी, तो JPC का कोई तर्क ही नहीं बनता। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि क्योंकि सब बातें जुमला साबित हुई, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता मिशन, ये सब फेल हो गए इनके, इसलिए इनको राष्ट्रवाद और पुलवामा के जरिए चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांगने पड़ रहे हैं। अगर 5 साल इन्होंने जुमला सरकार ना चलाई होती तो आज राष्ट्रवाद को और पाकिस्तान के नाम पर चुनाव ना लड़ रहे होते। सुखविंदर जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने प्रश्न पूछा है। हिंदुस्तान 11वें नंबर की इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी 2014 में। 5 वर्ष में मोदी जी ने दुनिया की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। 5% ग्रोथ रेट था 2014 में, आज 7-7.5% दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आपकी सैनिटेशन करके देश में 5 लाख बच्चों की मौत होती थी शौचालय ना होने के कारण। 5 वर्षों में 10 करोड़ शौचालय बनाना छोटी बात नहीं, 2 करोड़ पक्के मकान बनाना, हर पंचायत को 20-20 लाख रुपये स्वच्छता भारत में देना, 14वें वित्त आयोग में 50 लाख से 85 लाख हर पंचायत को देना, ये मोदी जी ने किया, कांग्रेस कभी सोचती नहीं थी।
आपने सब कुछ दिया मैंने मान लिया, पर वो कहते हैं 15 लाख तो नहीं दिया। मैं अगर आपको दूसरी तरह से कहूं कि आपको बैंक खाता खोला, 2 लाख का सुरक्षा बीमा, 2 लाख का जीवन ज्योति बीमा योजना दी, 3 लाख रुपए का आपको घर बना कर दिया, 5 लाख रुपए आपको आयुष्मान भारत में इलाज दिया, 6,000 रुपए आपके खाते में किसान समृद्धि सम्मान निधि को जोड़ ले, आप ढोलेंगे तो 15 लाख से ज्यादा है। लेकिन ये तब कहना चाहिए था ना बीजेपी को, आप कहना चाहिए कि सबको जोड़ो तो 15 लाख बनता है, ये काले धन वाला 15 लाख नहीं है। आप वो भी देखिए, काले धन, काले धन पर कांग्रेस 4 साल SIT नहीं बना पाई। मोदी जी ने पहली कैबिनेट में पहला निर्णय जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता में SIT का किया। 400 पार करने के लिए आपको बसपा का और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी का खौफ नहीं है, जो उनका गठजोड़ है? सुखविंदर जी, अगर समाजवादी पार्टी के नेता अपने परिवार की सीटें भी इस बार बचा लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। क्यों ऐसा लगता है आपको? आपको एक बात कह दूं, आपके चैनल पर ये गठबंधन केवल अपने परिवार की सीटों को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी ने किया है। पिछली बार मुश्किल से 5 आई थी परिवार की सीटें, क्योंकि सरकार अपनी थी। इस बार सरकार अपनी नहीं है तो परिवार की 5 भी आने वाली नहीं है। वो कहते हैं कि आपने कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद मसूद अजहर पर स्ट्राइक किया गया UN में। आपको लगता है कि इन स्ट्राइक से वाकई ही जनता बीजेपी को फायदा देगी, नंबर एक? और नंबर दो, कि क्या इतना सब होने के बाद जितना फौज का नुकसान जम्मू कश्मीर में हुआ है उसकी कोई जिम्मेवारी लेगा, उस शहादत की भी कोई जिम्मेवारी लेगा कि इतना ज्यादा आंकड़ा क्यों बढ़ा? दो बातें, अगर आप कुल मिलाकर आंकड़ा देखेंगे तो कांग्रेस के 5 वर्षों में 1,000 से ज्यादा मौतें आतंकवादी हमलों में देश के अंदर बड़े बड़े शहरों में हुई, मोदी जी के 5 वर्ष में वो नहीं हुआ। कश्मीर में जितनी घुसपैठ हुई उनको मार गिराया गया, उरी में हमला सोए हुए सैनिकों पर हुआ, पुलवामा में चलते हुए कन्वाय पर आत्मघाती हमला हुआ। मोदी जी चुप नहीं बैठे, सेना को खुला हाथ दिया और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर किया। पूरी दुनिया भारत के साथ आकर खड़ी हुई, 26/11 के बाद वो नहीं हुआ था। ये बदलाव है भारत की, भारत एग्रेसिव मूड में है और पाकिस्तान ये जानता है कि दुनिया भी आज भारत के साथ खड़ी है। अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराना छोटी बात नहीं थी, ये मोदी जी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, भारत की ताकत को दिखाया। पाकिस्तान हुकूमत ने ये क्यों कहा कि हमारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगर मोदी गवर्नमेंट दोबारा बन गई? ये डर है कि जब हम घुसपैठ करेंगे तब अपने घर में मारेगा और हम वहां पर प्लानिंग करेंगे तो हमारे घर में आकर मारेगा। तो मोदी जी ने तरीका रखा है कि तुम अगर बाज नहीं आओगे तो घर में भी मारेंगे और घुसपैठ करोगे तो यहां पर मारेंगे। एक हिमाचल का सवाल पूछ लूं मैं, मंडी में आपके मंत्री का बेटा कांग्रेस का टिकट ले गया, अभी भी अनिल शर्मा बीजेपी के MLA हैं और उनका बेटा कांग्रेस से टिकट लड़ रहा है। दूसरी जगह बीजेपी का एक पूर्व सांसद, 3 बार सांसद रहने वाले सुरेश चंदेल, आप ही की सीट से लड़ते थे, वो कांग्रेस में चले गए। आपने कहा कि 2 अलग अलग नेता गले मिल रहे हैं, तो आपके नेता भी तो कांग्रेस के गले मिल रहे हैं। आखिरकार पहले दल बदलुओं को नीची नजर से देखा जाता था, अब ये कौन सा सियासत का रूप है कि चुनाव लड़ने के लिए कोई भी पार्टी बदल लेता है? देखिए कांग्रेस की मुश्किल देखिए, उनके पास 4 में से कितनी सीटों पर अपने नेता लड़ रहे हैं, कितने बाहर की पार्टियों से आके लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का तो वजूद खत्म होता नजर आ रहा है। अगर चौका लगेगा तो दिल्ली में फिर कैबिनेट रैंक पक्का है, क्योंकि पहला सांसद हो जाएगा जो चौका लगाकर दिल्ली पहुंचेगा। मुझे लगता है इसका फर्क नहीं पड़ता कि आपने चौका लगाया, आप मंत्री बने नहीं बने, सीनियरिटी तो बन जाएगी ना फिर। मैंने जितने प्रोजेक्ट लाए एक सांसद होने के लाए, आपको मेहनत करनी जरूरी है, आप किसी पद पर हैं। मैं 3 बार युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, बीजेपी में इतना लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात एक करता रहा। ये प्यार मुझे हमीरपुर की जनता ने दिया, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने, और देखिए उनकी प्यार ने मुझे दिन रात एक काम करने के लिए तैयार किया और हमने वो किया जो पहले नहीं हुआ। आपके यहाँ पे सतपाल सत्ती जी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं माइक पे, आखिरकार नेता इससे कब आ जाएंगे और इस तरह की सियासत क्या ये हेल्दी पॉलिटिक्स है? हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, जब 2014 में कहा गया कि मोदी जी चाय बेचने वाले गरीब माँ के बेटे हैं तो लोगों ने उनकी ईमानदारी और गुजरात के शासन को देखा, गरीबी नहीं देखी। तो आज भी आप भाषण में जितनी बड़ी कड़वाहट ले आए, लोग ये देखते हैं कि इसके पीछे इसकी भावना क्या है, क्या किसी का दिल दुखाने की है या सच्चाई बताने की है।
अगर आप सच बोलते हैं लेकिन वो भी कड़वाहट की बजाय अगर प्यार से बोलेंगे तब भी लोग बहुत पसंद। सतपाल सत्ती की भावना क्या है आखिरी बार ये बता दीजिए। अब मैंने उनके वो सुने नहीं सारे, अब मीडिया में किस तरह से आए, कट एंड पेस्ट बहुत कुछ होता है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता है, जब तक मैं उनको स्वयं सुन नहीं लेता, उनसे बातचीत नहीं होती, तब तक पता नहीं करता। अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कट पेस्ट कुछ नहीं हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने उनको बैन भी किया, लेकिन नेताओं को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अच्छी सियासत को अच्छे ढंग से जिस तरह से 2020 के रूप में खेलते हैं चौका लगाकर ही खेलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, ऊना। अनुराग ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। हिमाचल की चार सीटों पर परसों वोट डाले जाएंगे।